यूपी के कैबिनेट मंत्री व पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का पिछले दिनों कोरोना से निधन हो गया था, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन ने बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे से विधानसभा में हड़कंप मच गया। सुनील साजन की माने तो मंत्री चेतन चौहान की जान कोरोना ने नहीं बल्कि योगी सरकार की अव्यवस्थाओं ने ली है। सुनील साजन ने बताया कि अस्पताल में चेतन चौहान उनके बगल वाले बेड पर थे और पीजीआई के डॉक्टरों ने मंत्री जी से बड़ी बदतमीजी से बात की, जिससे उनको गहरा धक्का लगा था। हमारे ही बगल में अब हम लोगों के बीच नहीं है स्वर्गीय चेतन सिंह चौहान जी। मैं 13 नंबर बेड पर था और वो 14 नंबर बेड पर थे। अगर नेता सदन सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य रह जाएंगे। माननीय जी, 8 लोगों का वार्ड जहां 8 कोरोना संक्रमित लोग होते हैं, डॉक्टरों की, नर्सों की और वहां की टीम आती है तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है। तो माननीय मंत्री जी क्योंकि बहुत सरल थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया, टीम आती है, उन्होंने कहा चेतन आपको कब हुआ कोरोना, तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो फिर एक दूसरा स्टाफ बोलता है चेतन क्या करते हो तुम, वो कुर्ता पैजामा में थे, मैं तो पैंट शर्ट में था। खैर, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं, तो एक स्टाफ ने कहा कि कहां के, तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे इस बदतमीजी से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये भरोसा हुआ कि जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं तब शायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आदर करेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जब पीजीआई के स्टाफ ने कहा कि चेतन तुम्हारे घर में और कौन कौन संक्रमित है, तो मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ और सरकार पर भी गुस्सा आया। मतलब सरकार का इतना भी दबाव नहीं है भाई, कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है, मुख्यमंत्री। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान होगा। अगर शर्मा जी को कोरोना हो गया तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा आप सोच नहीं सकते। हम नहीं चाहते, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको नहीं किसी को ना हो। लेकिन उसके बाद मान्यवर मुझे जब गुस्सा आया, मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप जानते हैं कौन है, चलिए आप नहीं प्रभाव में आ रहे हैं कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो उस डॉक्टर ने कहा अच्छा ये वो चेतन है, और ये कहते हुए डॉक्टर और स्टाफ पूरा चला गया। वो 2 दिन तक हमारे बगल में रहे, मतलब कोई मतलब वो मैं ये कह सकता हूं कि जिस घुटन में थे वो मनीष शर्मा जी नहीं महसूस कर सकते, और मुझे जो शब्द नहीं कहना चाहिए वो कोरोना से हमको आपको छोड़ के नहीं गए, सरकार की अव्यवस्था से हमको आपको छोड़ करके गए। यही नहीं, सुनील साजन ने विधानसभा में बताया कि उनके साथ भी अस्पताल में जमकर लापरवाही की गई। उनकी एक जांच के लिए 5 बार सैंपल लिए गए। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं मान्यवर आपको, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि एक जांच और करा लेते हैं, हो सकता है कि हम निगेटिव आ जाए। हमारी एक जांच हुई जिसमें मैं पॉजिटिव आया, नर्स ने कहा कि आप पॉजिटिव हैं, डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने कहा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं है, हमको दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। हमारा सुबह दूसरा टेस्ट हुआ, जब दूसरा टेस्ट हुआ, जब शाम को मैंने कहा कि हमारी रिपोर्ट क्या आई, तो उन्होंने कहा कि आपका रैपर बदल गया था इसलिए शाम को तीसरा टेस्ट होगा। जब तीसरा टेस्ट हुआ तो सुबह हमने पूछा कि हमारी रिपोर्ट क्या है, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका सैंपल बदल गया इसलिए आपका चौथा टेस्ट होगा। हमारा चौथा टेस्ट हुआ, चौथे टेस्ट में मान्यवर जानते क्या हुआ, जब हमने रिपोर्ट पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका फॉर्म तो वहां चला गया था लेकिन सैंपल नहीं गया है। तो हमने कहा पांचवा कर लो, हमारा पांचवा टेस्ट हुआ। पांचवा टेस्ट हुआ और मैंने लिखित में दिया कि हमको पीजीआई में इलाज नहीं कराना है, हम घर में रहकर के जो सरकार के निर्देश हैं उनको पालन करते हुए हम स्वस्थ हो जाएंगे।